हेलो गाइस, चाय टाइमलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है और बहुत ही प्यारा सा मौसम है। धीरे धीरे बारिश चल रही है और घर से निकल पड़े हैं, पर कहाँ जाना है हम लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है, बस मौसम का लुत्फ़ उठाने निकल पड़े हैं। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और हम साथ में ये बारिश वाले मौसम को इंजॉय करते हैं। आप जो देख रहे हैं वो है विद्यानगर। अपने नाम की तरह ही यहाँ पे विद्या का भंडार है और हर फील्ड की कॉलेज यहाँ पे है और लोग दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है और ये पूरा सिटी प्लान किया हुआ है और यहाँ पे पेड़ काटना अलाउड नहीं है, क्योंकि हर पेड़ का नाम नंबर दिया हुआ है। अगर आप किसी के पेड़ को काटना या ट्रिम करना चाहते हैं तो पहले म्यूनसिपालिटी में इसकी एप्लीकेशन देना पड़ता है और फिर वो लोग आके पेड़ को काटना या ट्रिम करना करते हैं। और इन्हीं सब वजह से यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, आप इस वीडियो में देख ही रहे हो। हम जा रहे थे तो रास्ते में एक लेक भी आया, तो थोड़ी देर के लिए वहां रुके थे। काफी शांत जगह थी। बारिश की सीज़न हो और भुट्टा ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने भुट्टे वाले को देखा तो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और काफ़ी मज़ा आ गया था। और घूमते घूमते हम आ गए हैं वड़ताल। वड़ताल एक तीर्थधाम है और यहाँ पे श्री स्वामीनारायण भगवान ने खुद अपनी मूर्ति की स्थापना की थी। श्री स्वामीनारायण भगवान की यह कर्म भूमि, लीला भूमि और उत्सव भूमि भी कहा जाता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ गोमती घाट पर ही जा रहे हैं, इससे पहले हम भी कभी नहीं गए, जो एक सरोवर है और पूरा पत्थर से बना हुआ है और खुद भगवान स्वामीनारायण ने सरोवर की खुदाई की थी और गोमती नाम देकर प्रसिद्ध किया है। आगे कभी वापस आना हुआ तो मंदिर भी दिखाऊंगी और इसके बारे में और चर्चा करेंगे। यहाँ पे परम पानी देखकर बहुत ही खुश हो गया। बारिश का मौसम था तो भजिया खाने का मन हो गया, तो घर पर आकर दाल वड़े बनाए। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। बाय बाय।